Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the practice set 4.4 of lesson 4 ratio and proportion of standard 9th algebra. Ab question 1 kya hai dekho. Fill in the blanks of the following. Isme first sub question hai. X upon 7 is equal to y upon 3 is equal to 3x plus 5y upon wo blank fill karna hai hamein is equal to 7x माइनस 9y अपॉन ये भी ब्लैंक फिल करना है. ओके अब यहां देखो ये है x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 5y हुआ है बराबर है. अब क्या किया इन्होंने इस रेशो में x को 3 से मल्टीप्लाई किया और y को 5 से मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड कर दिया. अब x 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, ऊपर एडिशन हुआ तो नीचे भी एडिशन होगा और y 5 से मल्टीप्लाई हुआ है न्यूमरेटर में तो नीचे जो 3 है वो भी 5 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू. सेकंड रेशो में क्या किया है x को 7 से मल्टीप्लाई किया है और y को 9 से मल्टीप्लाई किया और उनको माइनस कर दिया. x 7 से मल्टीप्लाई हुआ है मतलब न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो डिनोमिनेटर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन आएगा. y 9 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे 3 भी 9 से मल्टीप्लाई. So this will be equal to, sorry, therefore x upon 7 is equal to y upon 3 is equal to 3x plus 5y upon 7 3s are 21 plus 3 5s are 15 is equal to 7x minus 9y upon 7 7s are 49 minus 9 3s are 27. Iska matlab x upon 7 is equal to y upon 3 is equal to 3x प्लस 5y अपॉन 21 प्लस 15 इज 36 एंड 7x माइनस 9y अपॉन 49 माइनस 27. देखो 9 माइनस 7 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, इट इज 22. तो दिस इज योर आंसर. सेकेंड सम देखो a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7 इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 3c अपॉन ये ब्लैंक फिल करना है इज इक्वल टू ये ब्लैंक फिल करना है डिनोमिनेटर में दिया है 6 माइनस 8 प्लस 14. सो दिस इज इक्वल टू ये देखो a इसका कोएफिशिएंट 1 है. ओके माइनस 2b किया है मतलब b को 2 से मल्टीप्लाई किया है प्लस 3c यानी c को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखो a को 1 से ही मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में 3 ही आएगा. फिर माइनस b को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जो डिनोमिनेटर है उसका 4 उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका जो डिनोमिनेटर 7 है उसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू ये जो 6 माइनस 8 प्लस 14 है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7. 6 यानी 2 इंटू 3 माइनस 8 यानी 2 इंटू 4 और 14 यानी 2 इंटू 7 मतलब ये जो 6 8 और 14 है इन्हें हमने 3 4 और 7 के रूप में लेके आ गए रेस्पेक्टिवली. ओके सो न्यूमरेटर में क्या होगा अब डिनोमिनेटर में इन्होंने 3 इंटू 2 किया है तो न्यूमरेटर में 2 इंटू ए होगा माइनस डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4 किया है सेकेंड रेशो को तो न्यूमरेटर में होगा 2 इंटू बी प्लस थर्ड रेशियो को डिनोमिनेटर में 2 इंटू 7 किया है तो वो न्यूमरेटर में होगा 2 इंटू सी. सो दिस विल बी ए माइनस 2 बी प्लस 3 सी अपॉन 3 वन जा 3 माइनस 2 फोर जा 8 प्लस 3 सेवन जा 21 इज इक्वल टू ये तो 2 ए माइनस 2 बी प्लस 2 सी अपॉन 6 माइनस 8 प्लस 14 लिख दो वापस कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाँ ये ब्लैंक आपको देते रहना है. ओके सो फाइनली दिस विल बी ए अपॉन 3 इज इक्वल टू बी अपॉन 4 इज इक्वल टू सी अपॉन 7 इज इक्वल टू ए माइनस 2 बी प्लस 3 सी अपॉन 8 सॉरी 3 माइनस 8 इज माइनस 5 एंड माइनस 5 प्लस 21 इज 16 एंड दिस इज 2 ए माइनस 2 बी प्लस 2 सी दिस वॉज द ब्लैंक टू बी फिल्ड अपॉन 6 माइनस 8 प्लस 14. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन 2 देखो
5m minus n is equal to 3m plus 4n दिया है, then find the values of the following expression. किसका value का find करना है? m square plus n square upon m square minus n square का और 3m plus 4n upon 3m minus 4n का. Now 5m minus n is equal to 3m plus 4n, this is given. अब क्या होगा, ये 5m जैसा कि वैसा रखो, 3m right side में है plus में left में आएगा तो minus होगा, और ये minus n है left में, right में जाएगा तो plus n होगा, plus 4n. 5m minus 3m is 2m is equal to n plus 4n is 5m. ये m जैसा कि वैसा, n 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में राइट में, लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा, मतलब m upon n is equal to ये 5 जैसा कि वैसा, और m के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, मतलब m upon n is 5 upon 2. अब आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है, m square plus n square upon m square minus n square. आपको पता है कि m upon n is 5 upon 2. अब ये जो सम्स है इसमें थ्योरम और इक्वल रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. हाँ, ये जो सम्स है, सॉरी मतलब ये जो पर्टिकुलर सम है क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए हम यूज करेंगे ऑपरेशन और इक्वल रेशियोज. कौन से? इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो कंबाइंड टुगेदर. ओके, वो ऑपरेशन यूज करना है यहाँ पर. तो देखो, एम अपॉन एन इज 5/2, हमें फाइंड करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. तो सबसे पहले देखो, एम और एन को पावर 2 है. ओके, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना होगा. सो m अपॉन n होल ब्रैकेट स्क्वायर इज 5 अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो दिस इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4. और अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. तो अब हम यहां पे इसे डिविडेंडो, सॉरी कंपोनेंटो डिविडेंडो करेंगे. सो इट विल बी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. क्या होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होता है और जो डिनोमिनेटर है उसमें न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस होता है. सो दिस विल बी 25 प्लस 4 अपॉन 25 माइनस 4, मतलब m square plus n square upon m square minus n square will be 29/21. यह है आपके पहले सब क्वेश्चन का आंसर. अब दूसरे सब क्वेश्चन के लिए भी m upon n is 5/2, ये तो हम वैल्यू निकाल चुके हैं. हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ 3m plus 4n upon 3m minus 4n. अब देखो, m और n के पावर्स तो 1 है, तो इन्हें स्क्वायरिंग क्यूबिंग ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. पर हाँ, m का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 3 है और n का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह 4 है. तो हमें m के साथ 3 जोड़ना है, n के साथ 4 जोड़ना है, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 अपॉन 4. देयरफॉर 3 अपॉन 4 इनटू m अपॉन n इज इक्वल टू 3 upon 4 into 5 upon 2. इसका मतलब 3m upon 4n is 3 5 जा 15 upon 4 2 जा 8. और हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है, 3m plus 4n upon 3m minus 4n, मतलब यहां पर कंपोनेंट और डिविडेंडो करना होगा. बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो 3m plus 4n अपॉन 3m माइनस 4n is 15 प्लस 8 अपॉन 15 माइनस 8, मतलब 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n is 23/7. ओके, अब देखो हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पार्ट 2 में देखने वाले हैं. ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 16x square minus 20x plus 9 upon 8x square plus 12x plus 21 is equal to 4x minus 5 upon 2x plus 3. This is the given equation. इसे solve करना है, मतलब x का value find करना है. अब देखो, ऐसे same type का sum हम practice set 4.3 में देख चुके हैं और practice set 4.3 के sums were based on operation on equal ratios. तो ये sum हम around 3 method से solve करेंगे. सबसे पहले तो हम यूज ऑफ ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज करेंगे, मतलब बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट 4.3. ओके, और ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज कौन कौन से हैं, इन्वर्टेंडो,
अल्टरनेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो कंबाइन टुगेदर, और ऐसा सेम सम वहां पर हम देख चुके हैं। और हमने ये भी देखा था कि ऐसा जो सम है दिस इज इम्बैलेंस, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में तीन तीन टर्म्स है सॉरी, जबकि राइट हैंड साइड में जो रेशियो है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में दो दो ही टर्म्स है। तो हम सबसे पहले अल्टरनेंडो करते हैं, यहां पर बाय अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो में क्या होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो है उसमें जो न्यूमरेटर है जैसा कि वैसा रहेगा, बस उसके डिनोमिनेटर के जगह राइट हैंड साइड का जो रेशियो है वहां का न्यूमरेटर आ जाएगा, और जो राइट हैंड साइड का रेशियो था उसके न्यूमरेटर की जगह लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो उसका डिनोमिनेटर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड का जो रेशियो उसका डिनोमिनेटर जैसा कि वैसा, अब देखो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो रेशियो है उसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स एक जैसे करने हैं। अब जैसे यहां पे आप देख रहे हो 4x है, तो 4 को यदि हम सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होगा, और इस 5 को भी फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 20 होगा, वैसे ही इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 होगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा। ओके, तो यहां पर सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है, 4 के साथ x भी ले रहा होगा, क्योंकि 4x * 4x 16x² होगा, तब जाके वेरिएबल भी मैच होगा। सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 16x हो जाएगा, जबकि हमें 16x² चाहिए, तो सिर्फ 4 से ना मल्टीप्लाई करते हुए 4x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स को 4x से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब दोनों ही रेशियोज को 1/4x से मल्टीप्लाई करना होगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब हम टर्म्स सेम करेंगे तब हम बाय कंपोनेंडो बोलो या बाय डिविडेंडो बोलो टर्म्स कैंसिल कर पाएंगे। ओके, इसलिए हमें सबसे पहले टर्म्स सेम करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/4x, तो ये होगा 1/4x ब्रैकेट में 16x² माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 4x माइनस 5 इज इक्वल टू ये 1/4x ब्रैकेट में 8x² प्लस 12x प्लस 21 अपॉन 2x प्लस 3। अब देखो 1 इंटू दिस एक्सप्रेशन इज द सेम एक्सप्रेशन, तो दिस विल बी 16x² माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 4x इंटू 4x यानी 16x², ये माइनस का साइन, 4x इंटू 5 इज 20x इज इक्वल टू 1 इंटू दिस एक्सप्रेशन इज द सेम एक्सप्रेशन सॉरी, सो दिस विल बी 8x² प्लस 12x प्लस 21 अपॉन 4x इंटू 2x 8x² प्लस 4 × 3 = 12x। अब आप देखो LHS में जो न्यूमरेटर है वहां पर 16x² ये क्वाड्रेटिक टर्म है आपका, और उसका डिनोमिनेटर का भी क्वाड्रेटिक टर्म जो है 16x² है, सेम टर्म्स है और साइन भी सेम है, दोनों का पॉजिटिव साइन है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लीनियर टर्म्स देखो, तो वो है माइनस 20x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी लीनियर टर्म क्या है, माइनस 20x। ओके, दोनों टर्म्स तो सेम है और उनके साइन भी सेम है, तो जब साइन सेम रहते हैं तब हम क्या करते हैं, डिविडेंडो, साइंस अपोजिट रहे तो हम कंपोनेंडो करते हैं। तो अब यहां पर दोनों साइड डिविडेंडो अप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर भी राइट हैंड साइड में भी जो क्वाड्रेटिक टर्म है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक टर्म दोनों तो सेम है 8x² 8x², उनके साइन भी सेम है, पॉजिटिव साइन है, और जो लीनियर टर्म है वो भी सेम है 12x 12x एंड सेम साइन है, पॉजिटिव साइन। ओके, सो बाय डिविडेंडो क्या होता है, डिविडेंडो में ये जो आपका न्यूमरेटर है इसमें से डिनोमिनेटर माइनस होता है, मतलब ये 16x² माइनस 20x प्लस 9 माइनस 16x² माइनस 20x अपॉन डिनोमिनेटर जैसा कि वैसा इज इक्वल टू ये 8x² प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x² प्लस 12x ब्रैकेट में लिखना हो क्या, वो डिनोमिनेटर अपॉन 8x² प्लस 12x जैसा कि वैसा, अब ब्रैकेट ओपन करो, सो दिस इज 16x² माइनस 20x प्लस 9 माइनस 16x² माइनस इनटू माइनस प्लस 20x अपॉन ये 16x² माइनस 20x है ना, तो यहां से आप 4x कॉमन निकाल लो, तो बच जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू दिस इज 8x²
प्लस 12x प्लस 21, ब्रैकेट ओपन करो तो ये होगा माइनस 8x स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 12x अपॉन, यहां से भी 4x कॉमन निकालो तो बच जाएगा 2x प्लस 3। अब देखो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसके न्यूमरेटर में से प्लस 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कैंसिल माइनस 20x प्लस 20x कैंसिल तो बच जाएगा 9 अपॉन 4x इंटू 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, जो आपका राइट हैंड साइड है उसके न्यूमरेटर में से प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल तो बचेगा 21 अपॉन 4x इंटू 2x प्लस 3। ये 4x 4x कैंसिल हो जाएंगे। ओके हम ये देख चुके हैं कि इक्वल टू के अपोजिट साइड अगर सेम वैल्यू रहे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कैंसिलेशन होता है, पर कब, जब कैंसिल होने वाले टर्म्स किसी और टर्म के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशनशिप में ना हो। अब देखो जो 4x है ये 4x माइनस 5 होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और वैसे और यहां पर भी 4x ये पूरा जो ब्रैकेट है 2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो 4x 4x कैंसिल हुआ, और वैसे ही न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कैंसिल होगा सो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 होगा, सो ये बच जाएगा 3 अपॉन 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2x प्लस 3। और अब यहां पर ये जो 2x प्लस 3 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4x माइनस 5 7 के साथ, तो दिस इज 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 7 4 जा 28x सॉरी माइनस 7 5 जा 35। सो ये 9 जैसा कि वैसा माइनस 35 है इक्वल टू के राइट साइड में लेफ्ट में आएगा तो प्लस 35 होगा, 28x जैसा कि वैसा प्लस 6x है लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो माइनस 6x होगा, 9 प्लस 35 इज 44 एंड नाउ 28 माइनस 6 इज 22 और फाइनली 22x के साथ मल्टीप्लीकेशन में राइट में लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा सो 44 बाय 22 इज x, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके अब देखो हम मेथड 1 देख चुके हैं जिसमें हमने किया था यूज ऑफ ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज, अब मेथड 2 रहेगा जहां पे हम करेंगे यूज ऑफ थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। ओके और थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज में हम क्या करते हैं जो गिवन रेशियो है वी कंसीडर दोज एज के। ओके सो यहां पर हमने लिया लेट 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू के। अब बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज हम क्या करने वाले हैं, ये जो दो रेशियोज है इन्हें एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे में एड होंगे या सब्ट्रैक्ट। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये देख लो कि उसका कुछ फायदा हो रहा है क्या, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल होने को होना। अब यदि हम यहां पर इन्हें ऐड कर देते हैं ओके तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 प्लस 4x माइनस 5, मतलब वो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 16x और 9 माइनस 5 4, मतलब वो फिर से क्वाड्रेटिक ट्रायंगल ही बच जाएगा, हमें बहुत बड़ा कोई वहां पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा है बराबर, कोई टर्म्स कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं हम तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। हाँ लेकिन लेकिन यदि ये जो सेकेंड रेशियो है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अगर 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा सेकेंड रेशियो 4x इंटू 4x 16x स्क्वायर 4x इंटू माइनस 5 माइनस 20x, और यहां पर देखो ऑलरेडी 16x स्क्वायर और माइनस 20x प्रेजेंट है, और फिर हम क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा माइनस 16x स्क्वायर ओके 4x से मल्टीप्लाई होने के बाद और माइनस और माइनस प्लस 4x से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, मतलब फिर 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर और माइनस 20x और प्लस 20x कैंसिल होके सिर्फ और सिर्फ 9 बच जाएगा बराबर। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड रेशियो बाय 4x, so therefore k will be equal to this is 16x square minus 20x plus 9 upon 8x square plus 12x plus 21 is equal to 4x into 4x minus 5 upon 4x into 2x plus 3 and therefore k is equal to 16x square minus 20x plus 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज 4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 4 5 जा दिस इज 20x अपॉन 4 2 जा 8x इनटू x स्क्वायर प्लस 3 4 जा दिस इज 12x। अब आप करो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज
के इज इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन, 16x² - 20x+9 सब्ट्रैक्शन करें तो ब्रैकेट में लिखेंगे, सेकेंड रेशियो का न्यूमरेटर फर्स्ट रेशियो के न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट होगा और डिनोमिनेटर में जो ऑपरेशन होगा उसमें आप सेकेंड रेशियो का डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट रेशियो के डिनोमिनेटर में से। अब आप ब्रैकेट ओपन करो, देयरफॉर k इज इक्वल टू 16x² - 20x+9 ये -16x² माइनस इंटू माइनस प्लस 20x अपॉन दिस इज 8x² + 12x + 21 दिस इज -8x² और माइनस इंटू प्लस माइनस 12x। अब देखो प्लस 16x² - 16x² - 20x + 20x कैंसिल, डिनोमिनेटर में प्लस 8x² - 8x² + 12x - 12x कैंसिल, इसका मतलब k इज इक्वल टू 9/21 और दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 9 3 7 21, सो k इज 3/7, इसे 2 नाम दो और यहां पे 1 नाम दे दो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एक प्रकार से ईच रेशियो इज इक्वल टू 3/7 हो गया। अब ईच रेशियो में से ये रेशियो लेना है, ये रेशियो लेना है, ये लो है ना, यहाँ पे दो ही टर्म्स है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये आसानी से सॉल्व होगा। इसका मतलब 4x - 5 / 2x + 3 = 3/7 और अब ये 4x - 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2x + 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 4 = 28 ये एक्स माइनस 7 5 = 35 = 3 2 6 यहाँ पर एक्स प्लस 3 9 सो दिस इज 28x प्लस 6x है राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 6x होगा, 9 जैसा कि वैसा, माइनस 35 लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो प्लस 35, 28 - 6 = 22x, 9 + 35 = 44, 22x के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट में राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा, इसका मतलब x is, ओके? अब देखो यदि एग्जाम में ये सब आपको आता है बस इतना बोला है कि सॉल्व दिस थिंग और कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया है ओके तो आप मेथड 1 से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी यूज ऑफ ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो ये सम, या मेथड 2 यूज ऑन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से कर सकते हो, या फिर मेथड 3 डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन यदि एग्जाम में मेंशन किया गया है कि सॉल्व दिस सम विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियो तो मेथड 1, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सॉल्व दिस सम बाय द यूज ऑफ थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो तो ये मेथड, ओके? इसलिए मैं आपको तीनों मेथड करवा रहा हूं और मेथड ही मेंशन नहीं किया रहा तो आप तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करो, ओके? आंसर सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट फ्रेम में हम थर्ड मेथड देखेंगे, डायरेक्ट मेथड, ओके? अब मेथड 3 देखो, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, ये जो LHS वाला रेशियो है ना, इसका जो न्यूमरेटर है उसे मल्टीप्लाई करो RHS का जो रेशियो उसके डिनोमिनेटर से, इज इक्वल टू, फिर ये जो LHS का जो डिनोमिनेटर है, LHS का जो रेशियो उसका डिनोमिनेटर जो है, इनटू RHS के रेशियो का न्यूमरेटर, मतलब सिंपल दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, अब देखो 16x² × 2x यानी 32x² × x इज x³ प्लस 16 3 = 48 और ये x² देन -20x × 2x यानी -40x², फिर -20 × + 3 = -60x, फिर ये प्लस 9 2 = 18x प्लस 9 3 = 27 इज इक्वल टू 8 4 = 32 x² × x x³ फिर 8x² × -5 यानी -8 5 = 40 और ये x² प्लस 12x × 4x यानी +12 4 = 48 x × x x², फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस 12x × 5 = 60x फिर प्लस 21 × 4 यानी 84x प्लस इंटू माइनस माइनस 21 5 = 105। अब देखो इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम वैल्यू विद सेम साइन कैंसिल आउट होंगे, मतलब ये प्लस 32x³ लेफ्ट साइड वाला और प्लस 32x³ जो राइट हैंड साइड में वो दोनों कैंसिल होंगे, फिर वैसे ही +48x² - +48x² - 40x² - 40x² -60x - 60x तो क्या बच जाएगा 18x + 27 = 84x - 105। सो अब देखो ये 27 जैसा कि वैसा, ये -105 जो है ये राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो +105 होगा,
इज इक्वल टू 84x प्लस 18x था लेफ्ट में, राइट में आएगा तो माइनस 18x होगा। नाउ सी 27 प्लस 105, 7 प्लस 5 इज 12, 1 कैरी किया आपने, 2 प्लस 0 2 और वो जो 1 कैरी किया था वो 3, ओके और ये 1, ओके इज इक्वल टू 84x माइनस 18x इज 66x। अब ये जो 66 है ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा, तो x इज 132 अपॉन 66 यानी x इज इक्वल टू 2, ओके। सो अब देखो हमने तीन मेथड देखे, पहला मेथड क्या था यूज ऑफ ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियो, दूसरा मेथड था यूज ऑफ थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो और तीसरा है डायरेक्ट मेथड, ओके। सो यदि आपको एग्जाम में कोई भी मेथड का नाम नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, और यदि मेथड का नाम दिया है तो वो स्पेसिफिक मेथड आपको यूज करनी होगी, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकेंड सम है, ये आप सॉल्व करके देखो, मैं आपको ये सम तीन मेथड से सॉल्व करना ऐसा बता चुका हूं, ओके। तो कोई एक मेथड से आप सॉल्व करके देखो और जो भी आंसर आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो,